अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने मंदिरों के पुजारी एवं पुरोहित समुदाय को वेतन दिए जाने के संबंध में किया प्रदर्शन। मंदिर के पुजारी एवं पुरोहित ने वेतन को लेकर पुरोहित समुदाय के लोगों ने एकत्रित होकर जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया और अपने वेतन से संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि हिंदू धर्म ध्वजवाहक मंदिरों के पुजारी एवं पुरोहित की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। उसके ऊपर से कोरोना वायरस की मार से समस्त मंदिर के पुजारी एवं पुरोहित पूरी तरीके से भुखमरी के कगार पर आ पहुंचे हैं। पिछले 20 माह से मंदिरों का बंद होना, वैवाहिक नामांकन, संस्कार एवं पूजा पाठ नहीं हो पा रहे। एक तरफ अल्पसंख्यकों को संपूर्ण देश में मस्जिदों के इमामों को सरकार के द्वारा वेतन दिया जा रहा है। जब इस्लाम धर्म के मस्जिदों के इमामों को वेतन दिया जा सकता है तो मंदिर के पुजारी व पुरोहित को क्यों नहीं वेतन दिया जा सकता। ज्ञापन के माध्यम से पुजारी एवं पुरोहित समुदाय मांग करता है कि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से विचार करते हुए उसको जल्द से जल्द पूरा करने का भरसक प्रयास करे। मनोज व्यास मेरा नाम है, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का प्रांत का महामंत्री हूँ, क्षेत्र का महामंत्री हूँ। और आज हमने माननीय जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि मुरादाबाद के ही नहीं संपूर्ण हिंदुस्तान के पुजारियों की जो स्थिति है वर्तमान में वो बहुत दयनीय है। और उसके ऊपर कोरोना काल की मार, उसने तो बिल्कुल ही जो है बिल्कुल कमर तोड़ कर रख दी है। ना बच्चों की पढ़ाई करा पा रहे हैं, ना घर के खर्चे चल पा रहे हैं, ना मंदिरों के किसी प्रकार की कोई व्यवस्था चला पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने भी मंदिरों के कपाट खोल बंद कर रखे। और उसके बाद अब पूजा अर्चना की जो समय सीमा दी है उसमें भी 5 लोग 6 लोग 10 लोग जो इसकी सीमा बांध दी है, जिसके कारण से मंदिर की आमदनी बिल्कुल समाप्त हो गई है। और दूसरी तरफ जो पुरोहित लोग हैं जो ब्याह कराते हैं, शादी कराते हैं, कर्मकांड कराते हैं और साथ में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जप यज्ञ करते हैं जाकर घरों पर, वो भी बंद हैं। बंद होने के कारण सब कुछ बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा है। और एक तरफ देश की सरकार इसी देश के अंदर प्रांत सभी प्रांतों में हिंदुस्तान के सभी प्रांतों में मुस्लिम समाज के इमाम, मुल्ला, मौलवी जो भिन्न भिन्न नाम है उनको 3 श्रेणियों में बांटा उन्होंने। उन 3 श्रेणियों में बांटकर उनको तनख्वाहें दी जानी है प्रत्येक प्रांत में। दिल्ली की मैं आपको बताता हूँ, भिन्न भिन्न प्रांतों में 10,000 से ऊपर की है। दिल्ली में 18,000, 15,000 और 11,000 ऐसे 3 श्रेणियों में तनख्वाह दी जा रही है। और उत्तर हिंदू समाज को केवल केवल अगर कहीं हिंदुस्तान के अंदर तनख्वाह दी जा रही है तो वो दी जा रही है तमिलनाडु की सरकार दे रही है, वो भी इतना नहीं दे रही। तो हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जो ये धर्म रक्षक हैं, हिंदू धर्म के धर्म वादक हैं, अगर बच्चे का जन्म होता है, जन्म लेने से मृत्यु तक इनके बिना इस देश का किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं चलता। और उन परिस्थितियों में ये समाज हमारा जो है, जो पूजनीय है, वंदनीय है, इनके बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, आज वो भुखमरी के कगार पर है। और उत्तर प्रदेश सरकार से, अभी तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि इन लोगों की शीघ्र तनख्वाह बांटी जाए जिनसे कि अपने बच्चों का, मंदिरों का और अपने परिवारों का गुजारा भत्ता सब प्रकार से चला सके। और इससे आगे अगर ये नहीं होता है तो हम यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के MLC हैं, विधायक हैं, MLC हैं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके दरवाजे तक हम इन ज्ञापनों को लेकर जाएंगे कि आने वाले विधानसभा सत्र में वो इस प्रस्ताव को वहाँ पर रख सके और इसको पास करा सके। ये हम सारे उत्तर प्रदेश में एक अभियान लेने वाले हैं। इतना ही मुझे कहना। आज जो आंदोलन